भारत को विश्व गुरु माना जाता है, लेकिन जातिवाद की बात की जाए तो न जाने कितनी तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। देश में फैले जातिवाद को दुनिया के सामने रखा है बहुजन बेटी कौशल पवार ने। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कौशल पवार ने जर्मनी के मशहूर मीडिया हाउस DW जर्मनी टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में कौशल पवार ने भारत की जाति व्यवस्था की पोल खोल दी है। DW पर दिया गया यह इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल इस मामले पर लिखते हैं, जाति प्रथा के कारण पूरी दुनिया में भारत की थूथू होती है। जर्मनी के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया है। आरफा खनाम जर्मनी से बता रही है कि इस खबर की जर्मनी में काफी चर्चा है। प्रोफेसर कौशल पवार के लिए यह जीवन का शानदार संघर्ष है, जातिवादियों के लिए यह शर्मनाक वाक्य है। वहीं कौशल पवार ने बताया कि मुझे वाल्मीकि होने पर गर्व है, मैं इस समाज में पैदा हुई और अपने समाज के लिए मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। ये मेरे चाचा को मेरी भेंट होगी, बाबा साहेब का थोड़ा कर्ज चुका पाऊंगी। आज जर्मन टेलीविजन DW इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट की टेलीविजन पत्रकार कटेजा कैपनर इंटरव्यू लेते हुए इसका वीडियो जल्द ही सामने होगा। मैंने अपनी बात दिन रात कत्ल किए जा रहे सफाई कर्मियों पर विस्तार से रखी है। मेरे अनुसार ये हिंसा है जिसका समर्थन एक चुप्पी के साथ, समझौते के साथ किया जा रहा है, पर हम चुप नहीं रह सकते। रखिए अपनी बात दुनिया के सामने। आखिर कब तक आप अपनी गंदगी साफ करवाने के नाम पर वाल्मीकि भंगी जातियों के युवाओं को लीलते रहेंगे? वहीं पत्रकार सुमित चौहान ने कौशल पवार को टैग करते हुए लिखा है, वाल्मीकि समाज जिन्हें हरियाणा में चूड़े कहकर संबोधित करते हैं, दलितों में सबसे अधिक तिरस्कृत है। इसी समाज की बेटी कौशल पवार आज दुनिया भर में डंका बजा रही हैं। ब्राह्मणों की देव भाषा यानी संस्कृत की प्रोफेसर हैं, जिस भाषा के उच्चारण भर पर जीभ काट दी जाती थी, आज कौशल जी उसी भाषा में ब्राह्मणवाद की पक्षियां उधेड़ रही हैं। हरियाणा के एक जातिवादी गांव से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक के संघर्ष को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।